खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिज़ाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आपकी पुरानी कुर्ती है वो ख़राब हो गई है किसी तरीके से, तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बाजू हटा लेने हैं। जैसे मैंने इस कुर्ती की बाजू हटा ली है, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस कुर्ती में बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं है, ना ही कटाई में और ना ही स्टिचिंग में। तो इसकी मैंने बाजू हटा ली है और यहाँ जो साइड से सिलाई की गई है इस सिलाई को भी हटा लेंगे। यहाँ पे जो कंधे की सिलाई है इसको पड़ा रहने देंगे। तो इस सूट को हम फिनिशिंग से कैसे बनाएंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। सिलाई कोर्स हमने स्टार्ट कर लिया है, ये रहा नंबर, यहाँ से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कुर्ती की सारी सिलाइयाँ हमें खोल लेनी है, तो साइड से मैंने सिलाई खोल के इसके ऊपर प्रेस कर लिया है और घेरे से इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है तो इसको हमने नहीं खोला है, यहाँ से बराबर रख लिया है। अब कुर्ती को ऊपर की साइड से लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस जगह पे गलती हो गई है कुर्ती कटिंग में, कुर्ती की स्टिचिंग में भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, कुर्ती टेढ़ी हो गई है या गला पीछे जाता है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम इस कुर्ती में आ रही थी और सिलाई भी फिनिशिंग से नहीं थी, वो भी आपने देख ही ली होगी। देखिए यहाँ पे अर्म होल, पीछे का जो अर्म होल है 1.25 इंच बड़ा है यहाँ से, वो भी आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर नहीं है, 0.5 इंच का फर्क है इनमें भी। फ्रंट के दोनों बराबर है, बैक वाले ऊंचे नीचे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगी हुई थी, ये चाक भी वाइट आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, यहाँ पे कुर्ती की फिटिंग आएगी तो इस निशान को यहाँ तक लगाना है, कटिंग यहाँ से करनी है। और अब आप देखेंगे कि हमें ये 13 इंच तीरे के लिए कुर्ती रेडी करनी है। इस लाइन से आप देखेंगे कि 7 इंच तीरा कटिंग किया हुआ है, 7 इंच तीरा अगर आप कटिंग करेंगे, जैसे ही आप कुर्ती पहनते हैं तो आपकी जो गले की चौड़ाई है वो इतनी नहीं रहेगी, गले की चौड़ाई यहाँ से बढ़ जाती है। जैसे हम कुर्ती पहनते हैं तो गले की चौड़ाई इतनी हो जाती है, यहाँ पे हमारी गर्दन होती है और यहाँ पे गले की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, तो 13 इंच से बहुत ज़्यादा हो जाता है 7 इंच तीरा कटिंग करने में। अब देखिए, जिसका 13 इंच तीरा हमें रखना है उसकी कंधी कितनी रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। और इसमें आप देख सकते हैं कि बैक यहाँ से भी बड़ा है, यहाँ से भी बड़ा है, ये बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ से बराबर होना चाहिए, और एक बराबर भी नहीं है, एक ऊंचा है एक नीचा है, इस तरह से है। और इसकी गले की फिनिशिंग तो आप देख ही पा रहे हैं, आप अगर इसको भी हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, मैंने कंधे की सिलाई भी हटा ली है। यहाँ पे इसकी कटिंग भी टेढ़ी है तो मैं इसको बाद में हटा ही लेती हूँ, दोबारा से बनाऊँगी गले को। अब यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, बराबर रखेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि 13 इंच तीरे के लिए कंधे कितनी चाहिए। यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई 2.25 इंच या 2.5 इंच रखी हुई है, तो कंधे भी हम 2.5 इंच ही रखेंगे, 3 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से स्टिचिंग हो जाएगी तो कंधे बिल्कुल पतली रह जाएगी। अब देखिए, फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं, इतनी कंधे कटिंग करेंगे, यहाँ से कटिंग बराबर करेंगे, यहाँ पे फिनिशिंग बन जाएगी इस तरह से कटिंग करने से। अब देखिए, बैक आर्म होल किस तरह से कटिंग किया हुआ है, आप देख ही पा रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है, तो इस निशान को आप यहाँ पे मिला लेंगे और यहाँ से बराबर करके बैक आर्म होल की कटिंग यहाँ से कर लेंगे। अब जो ऊपर एक्स्ट्रा है इसको भी कटिंग कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे जो आर्म होल की फिनिशिंग है वो अच्छी बन गई है, यहाँ से कंधे भी पतली हो गई है और तीरा भी कम हो गया है। अब देखिए तीरा कितना है, और ये पहनने के बाद बिल्कुल फिटिंग आएगा, तो यहाँ से देखिए आप 2.5 इंच गला मान सकते हैं, आप बना हुआ गला 2.5 इंच, तो इसके बाद में 5.5 इंच या 6 इंच तीरा हुआ। अगर हम स्टिचिंग कर लेंगे तो यहाँ पे 5.5 इंच रह जाता है तीरा, बिना स्टिचिंग किए 6 इंच रह जाता है, तो ये 13 इंच तीरे के लिए कंप्लीट बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इसमें गला 4.5 इंच का है बैक। अगर बंद गला होता तो हम तीरे की कटिंग 0.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते और यहाँ से कंधे को डाउन कर देते। अब हमें कंधे को डाउन नहीं करना है इस जगह से, क्योंकि इसमें बैक गला खुला है। आप गले को दोबारा बनाना चाहते हैं तो गले की सिलाई भी खोल सकते हैं, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है दोबारा से गला बनाने के लिए तो आप इसको पड़ा रहने दीजिए। मैं तो ये कहती हूँ कि मिलता जुलता कपड़ा लेकर आप इस गले को भी दोबारा बना लीजिए।
अब देखिए यहाँ से कितने धागे निकले हुए हैं, बिल्कुल ही फिनिशिंग ख़राब कर रखी है इन्होंने। यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। और अब एक बात मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे यहाँ से गोलाई से कटिंग किया हुआ है तो ये गोलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, हम इसको सीधा कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें यहाँ पे जो ये गोलाई की हुई है यहाँ पे ज़्यादा सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इतना खुला हमें नहीं करना पड़ता। यहाँ से कमर के लिए कट लगा लेंगे, यहाँ से चाक के लिए बराबर कट लगा लेंगे। पहले जो लगे हुए हैं वो ऊपर नीचे हैं, बिल्कुल बराबर नहीं है। अब देखिए इस कुर्ती की स्टिचिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की बनेगी। अब इसकी बाजू कटिंग करेंगे दोबारा से, बाजू मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से कटिंग हुई है इसकी, आप देख ही पा रहे हैं। यहाँ से जब हम बाजू डाउन करते हैं तो क्या इस तरह से करते हैं, इस तरह से हम बाजू को डाउन नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से बाजू की लंबाई 21 इंच और यहाँ से बाजू की लंबाई 20 इंच, 1 इंच डाउन किया हुआ है बाजू को। 1 इंच से कुछ नहीं होता है, बाजू हमें 2.5 या 2.75 इंच डाउन करनी पड़ती है। तो आप यहाँ पे निशान लगाएंगे 18 इंच पे और इस तरह से बाजू को डाउन करेंगे, तभी फिनिशिंग आएगी। और एक बात और मैं बता देती हूँ कटिंग करने से पहले, जैसे यहाँ से तो गोलाई कर देते हैं कई बार, कई टेलर ऐसे होते हैं कि यहाँ से तो गोलाई कर देते हैं लेकिन यहाँ से जो कटिंग करते हैं उसको सीधी ले लेते हैं यहाँ से, तो इस तरह से सीधी नहीं लेनी है। अगर हम बाजू को जोड़ते हैं इस तरह से सीधी कटिंग करके और सीधे में बाजू लगाते हैं, बाद में फिटिंग करते हैं, बाजू और कुर्ती में खिंचाव आएगा और जैसे ही आप ऊपर हाथ करेंगे तो साइड से कुर्ती भी खींचेगी, तो आपको इस तरह से कटिंग नहीं करनी है। बाजू की कटिंग आपको यहाँ तक ये गोलाई करनी है और फिर वापस ऊपर की साइड ले लेनी है गोलाई को इस तरह से। ये कपड़ा 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा तो आपकी बाजू में खिंचाव नहीं आएगा जब आप ऊपर हाथ करेंगे, इस तरह से कटिंग करनी है। और यहाँ से फ्रंट आर्म होल डाउन कर लेना है 1 इंच, यहाँ से 1 इंच भी कर सकते हैं। इस तरह से जो गोलाई की हुई होती है यहाँ से पकड़ के कपड़े को और यहाँ से पकड़ के जितना भी कपड़ा मुड़ता है उसकी कटिंग करते हैं, यहाँ से बराबर कटिंग कर लेंगे। अब देखिए इस कुर्ती को मैं आपको सील के दिखा देती हूँ कि इसमें फिनिशिंग कैसी आएगी। एक आपने पहले वाली कुर्ती देखी और एक अब देखना सिलने के बाद कैसी बनेगी। अब देखिए मैंने इस कुर्ती को फिनिशिंग से बना दिया है, तो आप इसकी स्टिचिंग देख सकते हैं और इसकी कटिंग मैंने आपको दिखाई दी थी। अब देखिए कितनी सुंदर लग रही है, इसकी फिनिशिंग से सिलाई हो गई है, घेरा भी अच्छे से मुड़ गया है और इसकी बाजू भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने बहुत ही सुंदर फिनिशिंग से सिलाई कर दी है। देखिए मैं आपको उल्टी साइड से दिखा देती हूँ, मैंने इसका फ्रंट गला दोबारा से नहीं बनाया लेकिन इसका बैक गला जो है मैंने दोबारा से बनाया है। ये देखिए पहले वाला गला और ये देखिए अब वाला गला, कितना फ़र्क है इसमें। और इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, इस कुर्ती में हमें तुरपाई नहीं करनी है इसीलिए मैंने सिलाई लगा दी है। और यहाँ पे जो फिटिंग की सिलाई हमने लगाई है इसको आप खुला या टाइट थोड़ा बहुत करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, आप पहले बाजू लगा के और बाद में फिटिंग की सिलाई लगाइएगा। और इस बाजू के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे कई लेडीज ऐसे बोलती है कि जब हम हाथ ऊपर करेंगे इस तरह से तो साइड में खिंचाव आएगा, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि मैंने कितना हाथ ऊपर कर दिया है इस तरह से और इसमें कोई खिंचाव नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग में आपको दिखाया था, देखिए इस तरह से ये जो बाजू की कटिंग में मैंने आपको फ़र्क बताया, इसकी वजह से यहाँ से जो 1.5 इंच कपड़ा बच गया है तो यहाँ से खिंचाव नहीं आया है। अगर हम बाजू को नीचे की साइड से कटिंग कर देते तो यहाँ पे खिंचाव आता बाजू में, क्योंकि यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा कम हो जाता, फिर अब आप इस तरह से हाथ ऊपर करेंगे तो साइड से खिंचाव आएगा। इस तरह से आप इसका फ्रंट आर्म होल है देख सकते हैं, इसकी कंधी कितनी पतली है और पहले वाली कंधी थी यहाँ तक। इस तरह से आप भी अपना सूट बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और खुशी ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।